जब इस देश में अंग्रेजों का आतंक था, जहां देशभक्ति के नारे और राम का नाम लेना प्रतिबंधित था, तब कुछ लोगों ने बुंदेलखंड की धरती में राम के नाम के साथ अलख जगाया और रामलीला के सहारे देशभक्ति का नारा बुलंद किया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के जयसी नगर में तिवारी खानदान ने यह अलख जगाया। 119 साल पुरानी रामलीला का आज हम आपको कुछ दृश्यों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से पूरी कहानी बता रहे हैं। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44 भामौरा सागर मध्य प्रदेश। सागर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर जैसी नगर विकास खंड के देवल चोरी गाँव में 119 साल से लगातार रामलीला का मंचन हो रहा है। देवल चोरी गाँव की रामलीला को बुंदेलखंड की सबसे प्राचीन रामलीला भी कहा जाता है और रामलीला का आयोजन हर साल बसंत पंचमी से शुरू होता है, जो एक हफ्ते तक चलता है। हर साल की तरह इस साल बसंत पंचमी के पावन पर्व से रामलीला के मंचन की शुरुआत हुई। वहीं मंगलवार को सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। सीता स्वयंवर के धनुष यज्ञ में बड़े बड़े पराक्रमी राजा असफल हो गए और धनुष नहीं तोड़ सके। अंत में अपने गुरु की आज्ञा से जब अयोध्या के राजकुमार राम ने धनुष उठाया, तो पूरा देवल चोरी गाँव जय श्री राम को उद्घोष के नारों के साथ गूंज उठा और श्री राम ने जनकपुर की राजकुमारी सीता से विवाह थोड़ा पीछे चलते हैं। देवल चोरी गाँव में रामलीला की यह परंपरा ब्रिटिश काल में सन 1905 में शुरू हुई थी, जब स्थानीय मालगुजार छोटेलाल तिवारी द्वारा रामलीला के मंचन का फैसला लिया गया था और यह तय किया गया था कि गांव के लोग रामलीला के पात्रों का अभिनय करेंगे और गांव में रामलीला का मंचन किया जाएगा। तब अंग्रेजों का शासन था और देशभक्ति के नारे प्रतिबंधित थे, राम का नारा लगभग प्रतिबंधित था। ऐसे में कुछ लोगों का विश्वास और कुछ लोगों का साहस राम को जीवांत कर गया और यहाँ धार्मिक भावनाएं पनपी। शायद आंदोलन, जो देशभक्ति के आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के आंदोलन हुए, वहाँ से भी यहाँ मदद हुई और राम के नाम का अलग जगह। शायद यह रामलीला इसलिए पवित्र है क्योंकि ब्रिटिश काल में जहाँ राम का नाम प्रतिबंधित था, वहाँ कुछ लोग आगे आए और राम का अलग जगाया और इस देश में राम के नाम के साथ देशभक्ति की भावना भी जागृत की गई। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जैसी नगर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।